मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 27 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 16 अक्टूबर तक का समय मध्य प्रदेश के लिए सौगातों भरा हुआ है। फिर चाहे दशकों से देश में चीतों की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, लगातार प्रदेश में महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। खासकर हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो हमारे नेता केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं की स्वीकृति कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इटावा से ग्वालियर की सड़क 1200 करोड़ रुपए की, ग्वालियर में 3000 करोड़ की एलिवेटेड रोड, यमुना एक्सप्रेस वे से ग्वालियर एक्सप्रेस को जोड़ने वाली रोड से क्षेत्र का और लोगों का आर्थिक व्यावसायिक रूप से विकास होगा। आवश्यक है उसमें आम लोगों की भागीदारी हो, ऐसी भावना हमारे प्रदेश के नेताओं की है। इसकी तैयारी के सिलसिले में कल हमारे ग्वालियर में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सिंधिया जी ने बैठक ली। उसी चरण में हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि फिर से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच करके इस कार्यक्रम के सहभागी बने और विकास की प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी की भूमिका निभाएं। ग्वालियर में आपका एक बयान सामने आया, तो इसके क्या क्या कारण? मैं उसके बारे में कई बार बोल चुका हूँ, मेरा कोई इस तरह का आशय नहीं था। मेरे राजनीतिक विरोधियों ने नेता को उसके गलत अर्थ लगाए हैं। ब्राह्मण समाज के लिए मेरे दिल में श्रद्धा थी, श्रद्धा है और आजीवन श्रद्धा रहेगी। श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।